नमस्कार दोस्तों, दिल्ली अपटूडेट के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको एक बार जरूर हैरानी होगी। जी हाँ, दिल्ली से आगरा तक की दूरी कई बार आपने बाय एयर या रेलगाड़ी के माध्यम से या बस के माध्यम से तय की होगी, लेकिन जल्द ही यदि सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली से आगरा ताजमहल देखने के लिए आप यमुना नदी के रास्ते से एक एयरपोर्ट के माध्यम से ये सफ़र तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आजकल अपने विचारों को लेकर खासी चर्चा में रहते हैं और कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजोनेशन, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवे और शिपिंग मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक मिनिस्टर ऑफ इनोवेशन भी कहा जाता है और उन्होंने अपने कल के बयान में, कल नमामि गंगा से पर आधारित एक कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, उन्होंने अपने एक विचार और अपनी इनोवेशन के बारे में जनता को बताया। चलिए, नितिन गडकरी ने इस संदर्भ में क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमने एक रशियन कंपनी को लाने की कोशिश की, जब फाइनलाइज हुआ है तो हम ऐसी एयरबोर्ट ला रहे हैं जिसमें 14 लोग बैठेंगे, 2 लोग चलाने वाले होंगे, उसका इंजन ऑटोमोबाइल का होगा और पंखे एविएशन के होंगे प्रॉपर, और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसमें से 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट पर चल सकेगा। तो 26 जनवरी के पहले हम लोग प्रयागराज टू वाराणसी ये सर्विस शुरू कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मेरी इच्छा है कि हमारे दिल्ली के, हमारे केंद्रीय मंत्री जितने हैं वो सब, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, एमएलए और हमारे एमपी, मेरा एक सपना है कि जनवरी महीने में यमुना से ऐसे ही एयरपोर्ट लाकर हम यहाँ से आगरा के ताजमहल तक जाएं, तो विदेशों से लोग दिल्ली आएंगे, एयरपोर्ट से यमुना आएंगे और वहाँ यमुना के रिवर पोर्ट से डायरेक्ट आगरा तक जाएंगे, और ये बहुत 80 किलोमीटर की स्पीड से रोड है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टूरिज्म का भी साधन होगा और आकर्षण का केंद्र होगा। और आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल दिल्ली अपटूडेट। धन्यवाद।